क्या आप अपने साथ लेदर वॉलेट या कटा फटा वॉलेट कैरी करते हैं? यदि करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सैनी है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस टॉपिक में लेदर वॉलेट के ऊपर हम चार चीजें कवर करेंगे। पहला, वॉलेट रखें ना रखें, लेदर का वॉलेट रखें ना रखें, कौन से मटेरियल का रखें और वॉलेट के अंदर क्या रखें क्या ना रखें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि वॉलेट रखें कि ना रखें। तो मेरा सुजेशन ये है कि आप अपने साथ वॉलेट बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? क्योंकि वॉलेट हम जनरली बैक पॉकेट के अंदर रखते हैं यहाँ पे, और ये आम देखा गया है कि यहाँ पर वॉलेट रखने से लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पे पेन स्टार्ट हो जाता है, और ये मैंने खुद देखा है। एक नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये सुना है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे उनको पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वॉलेट के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, प्रेशर पड़ता है और यहाँ की नसों पे इम्पैक्ट आता है और वहां पर एक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो पहला मेरा सजेशन है, कोशिश करें कि वॉलेट बिल्कुल ना रखें। दूसरी बात, लेदर का वॉलेट रखें कि ना रखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो लेदर का वॉलेट भी ना रखें। क्यों? क्योंकि लेदर एक नेगेटिव आइटम है। नेगेटिव आइटम के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, तो आई बटन को आप क्लिक करके तो वहां पर मेरी नेगेटिविटी डिटेक्शन ऑफ नेगेटिव आइटम के ऊपर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो लेदर का वॉलेट भी आप ना रखें। आपने देखा होगा जैसे आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, लाइक वैष्णो देवी गए, वहां पर आपको लेदर की बेल्ट और लेदर का वॉलेट या लेदर का कोई भी सामान अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेदर नेगेटिव है, इसलिए अगर वहां पर अलाउड नहीं है, इसलिए अपने साथ भी लेदर कैरी ना करें, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से ये आपकी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट, आपके ब्रेन पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर आ सकते हैं, आपके अंदर आ सकते हैं, इसलिए इन चीजों से बचें। तीसरा, लेदर अगर वॉलेट हम नहीं रखते हैं तो क्या करें, और अगर आपको रखना ही है तो कौन से मटेरियल का आप वॉलेट रखें। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा तो वॉलेट के बिना गुजारा ही नहीं, मुझे तो रखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा सजेशन आपको है कि आप कपड़े का वॉलेट ले सकते हैं। कपड़े का वॉलेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजकल अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, कपड़े का वॉलेट मिल जाएगा आपको। और क्योंकि एज कम्पेयर टू लेदर वॉलेट, कपड़े का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेदर का बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको रखना ही है तो कपड़े का वॉलेट आप रख सकते हैं। चौथा पॉइंट मेरा ये था कि वॉलेट के अंदर क्या क्या रखें क्या क्या ना रखें। और अक्सर हमने ये देखा है कि पहली बात तो यह है कि लोग वॉलेट कट जाएगा फट जाएगा उसको कैरी करते रहेंगे। धारणा क्या है? मेरा बहुत लकी वॉलेट। ऐसा कुछ नहीं है, जो कट गया जो फट गया वो भी नेगेटिव हो गया। लकी वही है जो आपने बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है और कपड़े का रखा हुआ है, वही आपके लिए अच्छा है, वही आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो वो आपका लकी है। कटा फटा कभी भी लकी नहीं होता। और अब उसके अंदर क्या रखें क्या ना रखें, ये भी आम देखा गया कि लोग वॉलेट के अंदर भगवान की फोटोग्राफ्स और कुछ यंत्र, छोटे छोटे यंत्र जो है वो भी रख लेते हैं। तो यहां पर मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि वॉलेट के अंदर भगवान के फोटोग्राफ्स और यंत्र वगैरह ना रखें, उनको आप घर पे मंदिर में ही रखें, जो आपका प्लेस है रखने का वहीं पर आप रखें, अपने साथ कैरी ना करें। क्यों? क्योंकि आप बाहर जाते हैं और बहुत अच्छी बुरी जगह पे जाते हैं, राइट, और उसके लिए बाहर अगर आपने वॉशरूम भी गए तो आप वॉलेट भी साथ कैरी कर रहे हो और उसके अंदर पड़ा हुआ सामान भी आपके साथ ही जा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी जगह पे आपको जाना पड़ता है, इसलिए उन जगह पे ये वॉलेट कैरी ना करें, वो जो कि संभव नहीं है। तो इससे बेटर है कि ऐसा सामान जो भगवान से रिलेटेड हो, यंत्र से रिलेटेड हो, तो आप उसके अंदर ना कैरी करें। तो अब क्या क्या होना चाहिए वॉलेट के अंदर? वॉलेट के अंदर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, कैश और कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट आपका कोई कागज पत्र है तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो वॉलेट को बैक वाली
पोर्शन में ना रखें, फ्रंट वाले पॉकेट में भी रख सकते हैं ताकि आपको इस पोर्शन में कभी हेल्थ के इश्यूज ना आए। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो लेदर वॉलेट कैरी करते हैं या लेदर से रिलेटेड उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करने के हम कोई चार्ज नहीं करते और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें अच्छा लगता है और इसी हौसले की वजह से आप तक हम नए नए टॉपिक लेके आते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसलिए हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। तो दोबारा मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।